फंक्शंस को भी हम नेम्ड ब्लॉक बोलते हैं पीएल में दे सम इनपुट परफॉर्म सम एंड रिटर्न अ वैल्यू तो जो मेन डिफरेंस है प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस के बीच वो एक ही है कि फंक्शंस ऑलवेज रिटर्न करते हैं वैल्यू बट प्रोसीजर्स मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू एक्सेप्ट दिस ऑल थिंग्स ऑफ पी एल एस क्यूएल प्रोसीजर्स आर ट्रू फॉर पी एल एस क्यूएल फंक्शन ट्रू नेक्स्ट है सिंटेक्स टू क्रिएट अ फंक्शन सो बेसिकली जैसे हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते थे सेम वैसे ही हम फंक्शन क्रिएट करेंगे विद लिटिल बिट डिफरेंस तो यहाँ पे है सेम क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एंड देन नेम ऑफ फंक्शन उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स आते हैं तो पैरामीटर्स में जैसे कि हमने पैरामीटर लिस्ट में सबसे पहले पैरामीटर का नेम देना होता है 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 जैसे अब प्रोसीजर्स में पैरामीटर्स का नेम देते थे उसके बाद मोड मोड सेलेक्ट करना हमारे है। है पास इन आउट एंड इन आउट एंड उसके बाद हम उसका टाइप लिखते हैं नेक्स्ट आती है इसमें रिटर्न रिटर्न के बाद रिटर्न डेटा टाइप आएगी एंड इज और एज एज जैसे कि हम स्टैंड अलोन फंक्शन एंड के लिए एज यूज करते हैं अदरवाइज हम इज यूज करते हैं उसके बाद है बिगिन सेक्शन बिगिन के बाद हमारी ये फंक्शन बॉडी आती है एंड देन एंड एंड के बाद हम उस... तो यहाँ पे फंक्शन नेम लिखेंगे तो नेक्स्ट है फंक्शन नेम जो हमने यहाँ पे यूज किया था तो फंक्शन नेम स्पेसिफाइज द नेम ऑफ फंक्शन नेक्स्ट इज जो हम यूज करते हैं यहाँ पे क्रिएट और रिप्लेस और रिप्लेस का मतलब कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो फंक्शन आप क्रिएट कर कर रहे हो तो उसमें वो चेंजेस एडिशन कर देगा अपडिशन कर देगा थर्ड वन इज ऑप्शनल है हमारे लिए पैरामीटर लिस्ट तो पैरामीटर लिस्ट वैसे एक इम्पोर्टेंट टर्म है आ, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है तो इसमें क्या क्या होता है हमारे पास नेम मोड एंड टाइप ऑफ पैरामीटर नेक्स्ट आती है तो यहाँ पे जो हम पैरामीटर्स में इन एंड आउट यूज करते हैं तो इन क्या रिप्रेजेंट करती है कि वैल्यू विल बी पास्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड आउट मींस रिप्रेजेंट दैट दिस पैरामीटर विल बी यूज टू रिटर्न अ वैल्यू आउटसाइड टू द प्रोसीजर और फंक्शन नेक्स्ट इज हाउ टू पास पैरामीटर्स इन फंक्शन तो पैरामीटर्स पास करने के लिए जैसे प्रोसीजर्स में सेम फंक्शंस में भी सेम पैरामीटर्स हम यूज कर रहे हैं इन आउट एंड इन आउट इन यूज टू रिसीव वैल्यूज आउट यूज टू सेंड वैल्यूज इन आउट मीन्स रिसीव एंड सेंड बोथ वैल्यूज तो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है तो हम इसमें फंक्शन क्रिएट करेंगे एसक्यूएल में तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ आउटपुट ऑन लिखा था क्योंकि हमने पीएल एसक्यूएल का कोड रन करना है उसके बाद यहाँ पे है फंक्शन क्रिएट करने का स्ट्रक्चर तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन देन द नेम ऑफ फंक्शन इज टोटल कस्टमर्स तो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं कि एक टेबल में टोटल नंबर ऑफ कितने कस्टमर्स हैं या फिर बोल सकते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उसके लिए अब यहाँ पे नेक्स्ट आ रही है हमारी रिटर्न तो रिटर्न हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं ऐसे एंड रिटर्न के बाद है उसकी डेटा टाइप कि हमने जो वैल्यू रिटर्न करनी है वो कौन से टाइप की होगी नंबर और उसके बाद है इज इसके बाद अब हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे तो मैंने वेरिएबल का नेम रखा है टोटल नंबर इज द डेटा टाइप ऑफ टोटल वेरिएबल एंड टू इज द साइज इसके बाद इसको वैल्यू साइन किया है तो टोटल में पहले कितनी वैल्यू साइंट है जीरो देन जीरोक्शन पार्ट आ जाएगा तो इसमें बिगिन के बाद मैंने सिलेक्ट की कमांड यूज की है सिलेक्ट काउंट स्टार काउंट फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड काउंट करेगा स्टार मीन्स ओवरऑल रिकॉर्ड जितने भी हैं सारे इन टू टोटल फ्रॉम तो जो भी वो काउंट करेगा वो किसमें स्टोर कर देगा टोटल में फ्रॉम कस्टमर्स उसके बाद रिटर्न टोटल एंड एंड जब आप स्लैश एंटर एंटर करके enter प्रेस करोगे तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएटेड आ जाएगा अब नेक्स्ट थिंग आती है जैसे कि हमने प्रोसीजर्स भी पहले क्रिएट कर लिए और उसको बाद में हम एग्जीक्यूट करते थे तो सेम यहाँ पे हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो फंक्शन को अब हमने कॉल कैसे करना है एग्जीक्यूट कैसे करना है तो कॉल करने के लिए जैसे हम सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे प्रोग्राम है डिक्लेयर डिक्लेयर के बाद मैंने एक नंबर लिया है सी तो यहाँ पे नम, उसकी नंबर डेटा टाइप है टू द साइज बिगिन में मैंने सी को वैल्यू साइन कर दी टोटल कस्टमर्स तो टोटल कस्टमर्स क्या है मेरे फंक्शन का नेम इसलिए इसके साथ राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं देन प्रिंट करवाया टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कॉलन एंड यहाँ पे सी तो सी में क्या चला जाएगा टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स तो वो कहा से आएगा क्योंकि जब वो टोटल कस्टमर्स यहाँ से फंक्शन को कॉल होगी तो कंट्रोल पे पहुंच जाएगा इस फंक्शन पे पेन एंड उसके बाद आउटपुट आएगी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइव देन पी प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इस चीज को एक बार हम एसक्यूएल प्लस पे रन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है सेट सर्वर आउटपुट ऑन तो मैं इस पे अब प्रोग्राम हम कॉपी करती हूँ प्रोग्राम जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया था टोटल कस्टमर्स नाम का एंड प्रेस स्लैश फंक्शन क्रिएटेड तो उसके बाद यहां पे हमने प्रोग्राम uh, लिखा जिसमें हमने फंक्शन को कॉल किया है एंड इसकी आउटपुट आई टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइव अब हम चेक करते हैं जो हमारा टेबल था कस्टमर्स टेबल तो मैंने इसके लिए क्वेरी लिखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और उसके बाद उसमें हमने चेक किया कि फाइव रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं तो इसलिए हमारी आउटपुट क्या थी टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स फाइव नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ टू नंबर्स तो एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए जैसे मेरी यहाँ पे फर्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिए दैट इज क्रिएट और सबसे पहले हम फंक्शन क्रिएट करेंगे एडिशन के लिए तो यहाँ पे है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एंड यहाँ पे एडर इज द नेम ऑफ फंक्शन फर्स्ट पैरामीटर जो मैंने पास किया है एन वन इन नंबर फर्स्ट जो मैंने पैरामीटर पास किया है दैट इज एन वन इन नंबर एंड सेकेंड इज एन टू इन नंबर तो दो पैरामीटर्स पास किए हैं जैसे एन वन में फर्स्ट नंबर स्टोर होगा एंड सेकेंड नंबर एन टू में स्टोर होगा उसके बाद है रिटर्न नंबर इज द टाइप ऑफ रिटर्न वैल्यू इज हमने यूज किया है यहाँ पे एन थ्री एन थ्री एक और नंबर हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे एन वन एंड एन टू बोथ आर पैरामीटर्स एंड एन थ्री इज द नेम ऑफ वेरिएबल विच इज यूज टू एड टू पैरामीटर्स तो यहाँ पे नंबर के बाद की एट साइज लिया है एंड देन बिगन बिगन सेक्शन में एन थ्री को वैल्यू हम असाइन करें एन वन प्लस एन टू करके एंड देन रिटर्न एन थ्री एंड तो इससे हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट है कि अब इसको कॉल कैसे करेंगे तो कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा डिक्लेयर एन थ्री नाम का एक वेरिएबल लिया नंबर उसकी टाइप लिया टू उसका साइज लिया बिगिन में एन थ्री में हम एडर फंक्शनों को कॉल करेंगे तो ये पैरामीटराइज फंक्शन था और इसमें मैंने दो वैल्यूज पास की इलेवन एंड ट्वेंटी टू उसके बाद इसको प्रिंट करवाया तो इसकी वैल्यू रिजल्ट आएगा एडिशन इज उसके बाद जो भी एन थ्री में वैल्यू होगी तो आउटपुट आई एडिशन इज थर्टी थ्री एंड पीएलएसक्ल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड सो दिस वॉज द फंक्शन कोड हाउ टू क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन एंड दिस दिस इज द प्रोग्राम रिटर्न इन पीएलएसक्ल कोड नेक्स्ट है PLSQL कोड फॉर ड्रॉप फंक्शन तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे है ड्रॉप फंक्शन फंक्शन का नेम एग्जाम्पल ड्रॉप फंक्शन फैक्ट वन थैंक यू फ्रेंड्स